हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ट्रिप सेवर के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर ने ट्रिप सेवर के बारे में कहा था कि वीडियो बनाइए, तो आई थॉट कि लेट मी क्रिएट एन वीडियो ताकि उनकी भी डाउट क्लियर हो जाएगी और बाकी जो भी लोग हैं इस वीडियो को देखेंगे उनकी भी डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो फिर आपको एग्जैक्ट जो भी है इस ट्रिप सेवर के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। सो यदि आपने ट्रिप सेवर परचेज किया हुआ है तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक रिसिप्ट आएगी। वो रिसिप्ट कैसे दिखती है वो मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड किया हुआ है, तो ये है एक रिसिप्ट, परचेस कंफर्मेशन। तो यहाँ पे आपका जो कस्टमर आईडी रहेगा या ऑर्डर नंबर आ जाता है, ट्रांजेक्शन डेट आ जाता है, रिसिप्ट नंबर आया, स्पॉन्सर आईडी जिसने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है उसका नेम आ जाएगा, फिर आपका कस्टमर का नेम होगा, यहाँ पे आपका जो एड्रेस होगा वो शिपिंग एड्रेस होगा और ये शिपिंग कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेगा और आपका ईमेल एड्रेस रहेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको जब भी आप ट्रिप सेवर परचेस करते हैं ये सब इंफॉर्मेशन आपको ईमेल पे आ जाता है, ये रिसिप्ट आती है बेसिकली। ठीक है, आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है तो ट्रिप सेवर एडवांस या ट्रिप सेवर बेसिक कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर क्यूवीआई ब्रेक हो सकता है, या फिर क्यूवीआई क्लब हो सकता है। आपके रिसिप्ट पे जो भी मेंशन होगा वो यहाँ पे रहेगा, लिखा रहेगा कितना उसका अमाउंट है, क्या है, और पूरा टोटल जो अमाउंट है वो आपको दिया रहेगा। तो मेक श्योर कि ये जब भी ट्रिप सेवर परचेस करते हो तो ये जो रिसिप्ट है आपके ईमेल एड्रेस पे आता है, तो ये आप ले करके और आपको क्यूवीआई में एक ईमेल डालना पड़ेगा कि मैंने ये परचेस किया हुआ है, मुझे अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप उनके वेबसाइट पे जा करके ट्रिप सेवर पे अकाउंट क्रिएट करके रजिस्टर करके और आप एक्सेस कर सकते हो। कुछ लोग हैं जो आपको रिसिप्ट नहीं देंगे, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने अपलाइन से रिसिप्ट ले ही ले। अदरवाइज यदि नहीं दे रहे हैं तो आप डायरेक्टली global.support@qnet.net उनको ईमेल करेंगे विद योर IR ID कि मुझे रिसिप्ट चाहिए, इस आईडी पे जो भी परचेस किया होगा या जिस IR ID पे परचेस किया हुआ है जो भी मुझे रिसिप्ट नहीं मिली है, प्लीज गिव मी द रिसिप्ट। तो उन लोग रिसिप्ट प्रोवाइड कर देंगे या फिर आपको बताएंगे कौन कौन से प्रोडक्ट परचेस किए हुए हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप रिसिप्ट लेना ना भूलें। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। अब चलते हैं क्यूवीआई की वेबसाइट क्या होता है। तो क्यूवीआई की जो वेबसाइट है वो myqvi.com करके एक वेबसाइट है। तो इस पे अभी जो ओपन करते हो वेबसाइट पे, तो क्यूवीआई की पांच प्रोडक्ट्स है बेसिकली। एक तो वैकेश करके है, क्यूवीआई क्लब है, क्यूवीआई ब्रेक्स है, क्यूवीआई ट्रिप सेवर है और क्यूवीआई गो है। तो ये पांच प्रोडक्ट्स है। तो मेनली लोग परचेस करते हैं क्यूवीआई ट्रिप सेवर। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। चलिए अभी हम उसको करते हैं ट्रिप सेवर पे। क्लिक करने के बाद से ये वेबसाइट ओपन हुई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन है। तो जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपको अपना IR ID एंड पासवर्ड डाल करके आप साइन इन हो सकते हैं। उसके पहले, साइन इन करने से पहले मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ 13 लाख जो होटल्स है, रिसोर्ट है, ये पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में आपको 13 लाख होटल्स, यहाँ पे मोर देन 13 लाख होटल यहाँ इस ट्रिप सेवर के अंदर आपको मिलेंगे। ये सेम है जैसे कि गोवा एविवो है, उसके बाद से फिर booking.com है, जितने भी ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं इससे वैसे ही वर्क करता है, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सेम वर्क करता है। तो इसमें आप देख सकते हो अर्न ट्रैवल क्रेडिट फ्रॉम योर ओन बुकिंग। तो जैसे आप बुक करते हो तो आपको कुछ ट्रैवल क्रेडिट जो होता है वो मिलता है आपको जब भी आप होटल वगैरह कहीं बुक करते हो तो। और ये दूसरा ऑप्शन ये है कि शेयर अनलिमिटेड ट्रिप सेवर अकाउंट फॉर फ्री विथ योर फ्रेंड्स। तो ये जब भी आप फ्रेंड्स को शेयर करते हो और वो उन लोग जब भी बुक करते हैं होटल्स वगैरह तब आपको ट्रैवल क्रेडिट मिलता है उसमें। जब भी वो होटल बुक करते हैं तो आपको ट्रैवल क्रेडिट मिलता है। ठीक है, वो भी आप अर्न कर सकते हो। इसमें कुछ होटल्स है जिसमें अभी बुक करो और बाद में पे करो, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। सभी होटल्स पे नहीं है, कुछ कुछ होटल्स पे अवेलेबल है।
और जो भी आपके जो ट्रेवल क्रेडिट्स होते हैं उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी जो FAQ है ये क्या है। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो डाउट्स रहता है किसी को ना किसी को इसके बारे में। तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा करके आप चेक कर सकते हो, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहते हैं ना वो सब क्लियर हो जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो यदि आप चाहते हो तो मैं वन बाय वन मैं एक गो थ्रू करता हूँ ये जो भी क्वेश्चंस है उसके ऊपर। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनके वेबिनार्स भी होते रहते हैं। तो यदि आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जानना है तो यहाँ पे आप शेड्यूल वेबिनार देख सकते हो, आप और इस पे क्लिक करके देख सकते हो कि वो कौन कौन सा वेबिनार कब शेड्यूल है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल एक भी ऐसा कुछ वेबिनार शेड्यूल नहीं है, लेकिन आप जब भी आपको देखना रहेगा तो आप जा करके देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टर प्रेम है जो वो वेबिनार लेते हैं QVI के बारे में, ठीक है। बाकी ये सब तीनों लोग तो मैंने कभी मतलब इनका वेबिनार में देखा नहीं ये तीनों का, बट इनका वेबिनार मैंने ना बहुत बार अटेंड किया हुआ है और ये वेबिनार बताते हैं सब चीजें। तो ये है, तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। आप जरा FAQ में देख लेते हैं कि क्या क्या FAQ है इनके। पहले तो हम मोर पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जनरल है, एक मेंबर्स है और एक प्रिफर्ड कस्टमर्स है। तो ये तीनों टाइप की क्वेरीज वगैरह जो है वो इसमें दिया गया है। सो जनरल क्वेरीज लोगों की क्या आती है जरा एक बार हम उसको जरा गो थ्रू करते हैं वन बाय वन। सो इसमें ऐसा लिखा है कि ट्रैवल सेविंग्स क्या होता है। बेसिकली वो एक ऑनलाइन क्रेडिट होता है जो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है ऑन अकाउंट, जब भी आप एकोमोडेशन वगैरह बुक करते हो तो वो चीज़ें और कार रेंटल ये सब चीज़ें हैं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू आई यूज माई ट्रैवल सेविंग्स। तो जब भी आप रिजर्व करते हो होटल्स, तो जो उसमें रहता है एक पब्लिक प्राइस होता है और एक डिस्काउंटेड प्राइस होता है। तो आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस जो होता है वो आपको मिलता है, उसमें आप पैसे बचाते हैं। तो वो चीजें है यहाँ पे मेंशन, जो भी होता है वो डिडक्टेड फ्रॉम योर बैलेंस। ट्रैवल सेविंग्स जो होता है ना, लाइक द अमाउंट ऑफ ट्रैवल सेविंग यूज फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर बैलेंस। तो एक बैलेंस होता है बेसिकली, मैं आपको बताऊंगा जब लॉग इन करूंगा तो ट्रैवल सेविंग्स क्या होता है वो पोर्टल पे दिखता हुआ है, ठीक है। तो वो आपको दिखाऊंगा मैं। सो यदि ट्रैवल सेविंग जो होता है वो बैलेंस यदि खत्म हो जाता तो क्या करते हो, तो उसको टॉप अप करना पड़ता है ट्रिप सेवर के प्लेटफॉर्म पे जाकर। सो ये ट्रैवल सेविंग जो है वो क्या मैं यूज कर सकता हूँ। ये सिर्फ लिखा हुआ है कि आप सिर्फ जो भी बुकिंग होता रहता है वो ट्रिप सेवर के ऊपर ही यूज करोगे तो वो ही फायदेमंद है, मतलब उसी को ही यूज कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म, और कहीं पे भी नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ ट्रिप सेवर पे ही चलता है, ट्रिप सेवर के जो ट्रैवल सेविंग्स पॉइंट्स होते हैं वो। उसमें लिखा हुआ है अभी कि क्या मैं दूसरा मेरा जो ट्रिप सेवर अकाउंट है कोई दूसरा भी यूज कर सकता है, तो हाँ डेफिनेटली वो यूज कर सकता है। जो ट्रैवल सेविंग्स जो मिलती है जब आप परचेस करते हो तो वो आप कैश आउट नहीं कर सकते हो और सरेंडर भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। वो आपका 5 साल का वैलिडिटी रहता है और यदि 5 साल के अंदर आपने यूज नहीं किया तो वो पूरा के पूरा चला जाता है, नो यूज ऑफ। चलिए अपना पेमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ होटल्स में एक पे इट एट होटल करके ऑप्शंस है, कहीं कहीं पे आपको अभी पे करना पड़ता है, होटल में नहीं पे करना पड़ता है, तो वो सब ऑप्शंस है कुछ कुछ होटल्स के अंदर। जो भी आप होटल बुक करते हो तो आइदर जो क्रेडिट कार्ड से आपको बुक कर सकते हो या फिर जो ई कार्ड्स होता है उसके थ्रू आप बुक कर सकते हो। तो जो रूम है वो टैक्स और फीस दोनों के दोनों इंक्लूडेड रहता है उसके अंदर। उसके बाद जो भी कुछ अलग चार्जेस रहते हैं, कुछ कुछ होटल्स में जैसे कि रिसॉर्ट फीस, होटल पार्किंग, नेशनलिटी फीस वगैरह जो रहता है, सिटी सरचार्ज वगैरह रहता है, लोकल गवर्नमेंट जो चार्ज मारती है, तो वो सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं रहता है इसके अंदर। वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक बुकिंग जब भी मैंने की थी तो उसमें वो ऑप्शंस है वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये जो रूम जो डिस्प्ले होता है वो पर रूम होता है, रेट जो होता है पर रूम होता है। अब दूसरा देखते हैं योर बुकिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, तो ब्रेकफास्ट जहाँ पे रहता है वहाँ पे है, वहाँ जहाँ पे नहीं है नहीं। होटल प्रोवाइड करता है तो देता है, नहीं तो नहीं देता है, ठीक है, वो ऑप्शन है इसमें। अभी ये सबसे एक बेस्ट चीज है ट्रिप सेवर में, इन्होंने लिखा हुआ है वो गारंटेड लिखा हुआ है। देखो कि यदि आपको ट्रिप सेवर
से भी चीप में कहीं होटल मिल गया, गो वीवो हुआ या फिर booking.com हुआ, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, होटल बुकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे यदि चीप रेट मिला ट्रिप सेवर से भी, तो इनका क्लेम क्या है कि वो लोग वेरीफाई करेंगे और 110% जो अमाउंट डिफरेंस होता है वो आपको देंगे। दिस द बेस्ट गारंटी, टर्म्स एंड कंडीशन अपना। उनका कहना यही है कि ये सबसे बेस्ट है, इससे सस्ता कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता है। ये इनका कहना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ लेट्स सी हाउ डू आई कैंसल। तो वो जब आप जब भी रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, सॉरी, जब भी आप होटल का बुकिंग कर लेते हो, तो उसमें ऑप्शंस है, वहाँ पे जाके कैंसिल कर सकते हो आपका, ठीक है। एंड उसके बाद से रिफंड, तो रिफंड भाई डिपेंड करता है कब आप कैंसिल कर रहे हो। तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है कुछ टाइम, मतलब 2 घंटे 4 घंटे या फिर 1 दिन पहले भी रिफंड कैंसिल करते हो तो रिफंड तो नहीं मिलेगा, या फिर कुछ पार्शियल रिफंड मिल जाए, ऐसा ऑप्शंस है अवेलेबल वहाँ पे। तो वो चीज़ें आपको देख करके करना पड़ेगा कैंसिल। और तो ये आप माई व्यू रिजर्वेशन में जा करके आप देख सकते हो क्या क्या होटल वगैरह सब चीज़ें हैं, और या फिर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो होटल वाले को और वहाँ से आप कंफर्म कर लो भाई मेरा रिजर्वेशन आया है कि नहीं आया, हुआ है वो चेक कर लो, ठीक है। तो ये तो एक जनरल क्वेरी थी लोगों की, ठीक है। तो ये सब के सब इसके अंदर इंक्लूड करके दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं मेंबर्स जो आईआर होते हैं ना, उनकी क्या क्या क्वेरी हो सकती है। सो यहाँ पे लिखा है हाउ कैन आई बिकम ए मेंबर ऑफ ट्रिप सेवर। सो ये आपको ट्रिप सेवर पे, तो आप ये ईमेल डालो, इनको तो पता चल जाएगा कि किस तरह से आप बन सकते हो। नॉर्मली क्या है, क्यूनेट की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से ट्रिप सेवर परचेज करो, तो भी आप मेंबर बन जाओगे, ठीक है। उसी का रेफर आईडी लेकर के आप परचेज कर दोगे तो हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे लॉगिन कैसे कर सकते हो, आपका मेंबर आईडी मतलब IR ID और पासवर्ड, इससे आप लॉग इन कर सकते हो सेवर पे। एंड यदि आपको लॉग इन आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो क्या कर सकते हो, तो पहले आप स्पैम वगैरह उसमें चेक कर लो, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप ये इस ईमेल एड्रेस पे मेल करो कि मुझे मेरा मैंने ट्रिप सेवर परचेस किया हुआ है, जो आपको उसका जो रिसिप्ट है वो आया रहेगा मेल पे, फिर नहीं आया रहेगा तो आप अपने अपलाइन से मांगो, अपलाइन नहीं दे रहा है तो क्या करोगे, आप ग्लोबल सपोर्ट पे मेल करोगे आपका IR ID के साथ में कि मैंने ये परचेज किया था, मुझे रिसिप्ट नहीं मिला, तो वो आपको डिटेल्स देंगे। वो जब आने के बाद से फिर आप मेल कर सकते हो यहाँ पे, और फिर उसके बाद से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, या उस फॉरगेट पासवर्ड पे आप जाकर चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब इसमें वैलिडिटी देख लीजिए भाई, मैंने जब भी यूज किया, जब चालू किया था तब वो ट्रिप सेवर 1.0 ही था, तो उस समय वो वहाँ का एक्सपायरी डेशन कुछ नहीं था, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया है कि 2.0 के किया, तो अब उसमें 5 ईयर्स का एक्सपायरी डेट सेट कर दिया है कि 5 साल तक रहेगा और वो निकल जाएगा भाई, जो भी आपका ट्रैवल सेविंग जो पॉइंट रहेगा वो सब खत्म हो जाता है पूरा। यहाँ पे ये देखिए, ट्रैवल सेविंग का अकाउंट जो है वो 2.0 वो डीएक्टिवेट हो जाता है, जैसे ही आपका पैकेज होता है, पैकेज 5 साल में हो जाता है एक्सपायर, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर घंटा आपका जो ट्रैवल सेविंग पॉइंट क्रेडिट वगैरह जो भी रहता है वो सब पूरा के पूरा ब्लॉक हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे आप रिन्यू कैसा कर सकते हो, रिन्यू तो नहीं होगा, आपको एक और परचेस करोगे तो जाकर के वो रिन्यू होगा, ऐसा तो मतलब ऐसा भी नहीं है कुछ अमाउंट थोड़ा बहुत डाल करके रिन्यू कर ले, ऐसा तो होगा नहीं। अब रेफरल कैसे करते हैं पहले वो देखिए, तो हाउ कैन आई रेफर, तो आप जा करके रिफर ए फ्रेंड, ये ऑप्शन आपको मैं दिखा दूंगा लॉग इन करके टिप सर्वर के अंदर, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है उसके अंदर, ठीक है। तो आप जा करके चेक कर सकते हो। फिर बाद में इनविटेशंस कैसे होगा, कि जैसे वो आपके फ्रेंड ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो उनका आईडी ऑटोमेटिकली शो करने लगा कि दिस पर्सन हैज एक्सेप्टेड इनविटेशन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाद में फिर वो ट्रैवल क्रेडिट्स क्या होता है, कि जैसे कि आप होटल बुक करते हो तो उसमें अमाउंट में थोड़ा ट्रैवल क्रेडिट मिलता है, जब बुकिंग करोगे ना, बुकिंग के नीचे मैं आपको बताता हूँ कैसा है वो, तो वो मिलता है उसके अंदर। देन हाउ मच आई कैन अर्न, तो आप 1%
बता रहा है यहाँ पे कि यू विल अर्न 1% ट्रेवल क्रेडिट फ्रॉम एवरी कंफर्म बुकिंग पे ऊपर कर सकते हो, या फिर और इफ यू पेड होटल ऑप्शन देन यू विल गेट अ 3% क्रेडिट जो होता है, इफ यू चूज अ पेड होटल 3% आपको मिलता है, ठीक है, क्रेडिट का। उसके बाद व्हेन विल माय ट्रैवल क्रेडिट्स बी क्रेडिट टू माय अकाउंट, तो ये जो अमाउंट है ट्रैवल क्रेडिट वो जैसे ही वहां से साइन ऑफ करते हैं, मतलब चेकआउट हो जाता है वहां से होटल से, तो आपको ट्रैवल क्रेडिट मिल जाता है। और विड्रॉ का भी कर सकते हो, जब आपका ट्रैवल क्रेडिट $250 होगा तो ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज कम अमाउंट रहेगा तब तो हो गया वो अमाउंट, जो 5 साल एक्सपायर हो गया और आपका $250 भी नहीं हुआ, सपोज $240 या $245 भी हुआ रहेगा और 5 साल कंप्लीट हो गया तो भी हो गया वो ऐसा चीजें है। उसके बाद से हाउ डू आई चेक माई ट्रेवल क्रेडिट बैलेंस, तो है ये भाई, उस पर लॉग इन करके आप चेक कर सकते हो क्रेडिट। मैं आपको ये दिखाता हूँ किस तरह से क्या है। प्रीफर्ड कस्टमर्स जो कैसे रहता है, तो प्रीफर्ड कस्टमर में क्या होता है बेसिकली, हम आप को रजिस्टर इज बाय इनविटेशन ओनली, तो ये रजिस्ट्रेशन मतलब आपको बताया ना कि आप जैसे कि आप प्रीफर कर सकते हो जिसको भी, तो वो कस्टमर बन जाएगा, ठीक है, यदि आपने प्रोडक्ट को परचेस किया तो। प्रीफर्ड कस्टमर बनने के लिए क्या कुछ पैसे पे करना पड़ता, तो नहीं यार, जस्ट इनविटेशन चाहिए, बस हो गया खत्म। आफ्टर रजिस्ट्रेशन व्हाट विल आई रिसीव एज अ प्रीफर्ड कस्टमर, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि 0.1 से प्रीफर किया हुआ है आपने, तो फिर आपको 25 ट्रैवल सेविंग्स मिलता है योर अकाउंट, और यदि आपने 2.0 से किया हुआ है तो फिर आपको क्या मिलेगा, आइदर गेट सम ट्रैवल सेविंग्स फ्रॉम योर रेफरल और परचेज देम फ्रॉम द ट्रिप सेवर। तो ये जो रेफरल है ये आप दे सकते हैं ट्रैवल सेविंग्स पॉइंट उनको, तो होटल बुक कर सकते हैं, तो ये भी चीज है, बट अल्टीमेटली उनको पे तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ ऐसा है अमाउंट। एंड देन हाउ कैन आई लॉग इन टू माई ट्रिप सेवर अकाउंट, तो जो भी रजिस्टर ईमेल एड्रेस रहता है उससे आप लॉग इन कर सकते हो। इनविटेशन के लिए कैसा है कि कैन आई फॉरवर्ड माई इन्विटेशन टू समवन एल्स, तो यस हाँ फॉरवर्ड तो कर सकते हैं, जो रजिस्टर नहीं है सो वही सेम लिंक किसी और को फॉरवर्ड कर दो। यदि आपने रजिस्टर कर लिया है आप दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हो तो भाई वो तो नहीं होगा, तो वही लिखा है कैन नॉट बी रीयूज्ड। एंड देन व्हाट इज द वैलिडिटी, बस 30 डेज का रहता है वैलिडिटी इन्विटेशन जब भी आपने भेजा तो, ठीक है, उसके बाद से फिर रिसेट कर सकते हो पासवर्ड, हाँ रिसेट हो जाएगा आपका, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद से फिर वो जो प्रिफर्ड कस्टमर होता है उसकी अकाउंट की वैलिडिटी कितने आ रहेगा, 2.0 में जो 6 मंथ्स रहती है और जो 1.0 में होता है उसका एक्सपायरी डेट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आई होप कि मैंने बहुत सारे आपके डाउट्स जो भी है वो बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब क्या करते हैं हम कि लॉग इन करते हैं ट्रिप सेवर 2.0 में और फिर देखते हैं आएगा क्या चीज है। तो चलो मैं अभी मैं अभी लॉग इन साइन इन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद से ये लो ये पेज ओपन हो गया, अब मैं थोड़ा मेरा IR ID एंड पासवर्ड जो है मैं डाल के देखता हूँ क्या लॉग इन होता है। फिर देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, ये 2.0 और ट्रिप सेवर है, तो ट्रिप सेवर 1.0 है, ट्रिप सेवर 2.0 है, मेंबर आईडी है यहाँ पे प्रिफर्ड कस्टमर्स जिसको यदि आपने इनवाइट किया होगा तो कोई भी, तो जो यूनिट के जो मेंबर्स है मतलब IR है वो मेंबर आईडी से लॉग इन करेंगे, यहाँ पे इनका IR ID एंड पासवर्ड डालेंगे तो लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं लॉग इन कर लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने लॉग इन कर लिया है, सो जैसे लॉग इन करोगे तो आपको ऐसा पोर्टल दिखता है। पोर्टल दिखने के बाद से जैसे कि आपने ट्रैवल सेविंग जो बैलेंस है ना, जो आपको बता रहा था ट्रैवल 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 सेविंग, वो उसमें दिखा रहा था बार बार, आप कंफ्यूज थे कि क्या होता है बेसिकली, तो ये होता है ट्रैवल सेविंग पे। तो जैसे कि आपने ये आई थिंक 1500 BV का प्रोडक्ट था, तो ट्रैवल ट्रिप सेवर एडवांस था ये प्रोडक्ट, तो ये इसको कुछ 70 to 80 thousand rupees लगे थे, तो ये प्रोडक्ट परचेस किया था, तो इसके ऊपर मुझे ट्रैवल सेविंग्स जो है वो कुछ 3,24,900 मतलब 3,25,000 कुछ क्रेडिट मिले थे मुझे, ट्रैवल सेविंग जो होता है ना वो मिले थे मुझे 3,25,000। मैंने इसमें यूज भी किया हुआ है कुछ, तो और मैंने कुछ तो लोगों को भी रिफर भी किया था, उन्होंने भी बुक किया था, तो उनके जो ट्रैवल क्रेडिट है ना वो मुझे यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं एक ये डैशबोर्ड है इसके ऊपर मैं जरा लॉग इन करता हूँ, मतलब क्लिक करता हूँ, देखते हैं आगे क्या है।
क्लिक करने के बाद से ये ऑप्शन आया ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू रिजर्वेशन है, तो हमने एक किया था रिजर्वेशन, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे, हाँ एक चीज है आपको मैं दिखा रहा था आपको, कि आपको बताया था मैं आपको वो लेके चलता हूँ उसके ऊपर, जैसे कि टैक्स और फीस, ये दो चीजें इंक्लूडेड है उसके अंदर, और तो वो तो था ही। हाँ अब ये दिखाता हूँ, जब हमने बुक किया था तो इसमें कैसा था कि सिटी टैक्स लगे था और सर्विस चार्ज लगा था और वैट ऑन रूम रेट और वैट ऑन सर्विस चार्ज, तो ये चीजें इतना हमें पे करना पड़ा था होटल में जब हम चेकआउट किए थे तभी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस टैक्स और फीस, वो दोनों को छोड़ करके भी आपको इतना पे करना पड़ता है बाकी का। ये तो आपने देख लिया। अभी अभी लेट्स मूव टू अदर क्रेडिट कार्ड्स में। क्रेडिट कार्ड्स में आप देख सकते हो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन आप डाल करके, तो जब भी आप बुकिंग करोगे तो आपके जो क्रेडिट कार्ड से अमाउंट जो होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। वो डाल सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे माय सेविंग हिस्ट्री, तो आप देख सकते हो सेविंग हिस्ट्री वगैरह है, तो हमने होटल बुक किए थे तो उसका हिस्ट्री है ये इधर पे, इतने सारे देख सकते हो। फिर बाय टॉपअप, तो यदि आपका ट्रेवल सेविंग्स जो अमाउंट है वो खत्म हो गया तो आप बाय कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मेरा तो अभी बहुत ही ज्यादा बचा हुआ है और ये तो पूरा खत्म ही होने वाला है, मतलब ये लैप्स ही होने वाला है, इसका कुछ यूज तो हुआ नहीं है आज तक कभी ज्यादा। एंड देन ट्रांसफर माई ट्रेवल सेविंग्स, अभी इतना सेविंग्स है इसको, तो यदि आपने किसी को रिफर किया हुआ है तो उसमें उसको आप ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हैं। और ये देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलता है, जैसे कि आपने होटल बुकिंग किया ना तो वो उसका रिवॉर्ड्स मिलता है टोटल क्रेडिट, तो मैं आपको बताया था ना ऊपर ये 54, वो वही दिखा रहा है 0.66 USD, तो ये दिखा रहा है मैंने ये किया था। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रिप्स और रिवॉर्ड है, रिफर ए फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस डाल दोगे तो उसको, और सेंड द इनविटेशन भेज दोगे तो उनके ईमेल चला जाएगा, फिर वहाँ से जब भी वो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखा जाएगा, यदि नहीं किया एक्सेप्टेड तो फिर यहाँ पे स्टेटस जो रहेगा ना वो पेंडिंग दिखते रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो तीन जन को भेजा था, दो जन को, तो उन्होंने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, एक बार रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे एक्टिव दिखाने लगेगा। ठीक है, वापस से आप रिमाइंडर उनको भेज सकते हो करके इस तरह से, तो ये चीजें हैं ऑप्शंस वगैरह है। अब चले जरा ये बुकिंग के बारे में जरा देख लेते हैं किस तरह से क्या है, और ये रियली में सस्ता है या नहीं है, जो कि क्लेम करते हैं यहाँ पे कि सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर बुकिंग, अदर ट्रेवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स, ओके होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म से, तो जरा वो थोड़ा आप चेक करते हैं जरा। तो मैंने काम किया था, मैंने ये रेडिशन ब्लू प्लाजा होटल जो दिल्ली एयरपोर्ट के पास में है, तो मैं बोला कि चलो इसमें इसी को देखते हैं जरा क्या है, तो मुझे ये अमाउंट यहाँ पे दिखा। ठीक है, 11,601 रुपीज़ इनका। यही सेम होटल मैंने क्या किया कि इस पे booking.com पे भी सेम सर्च किया, तो ये होटल है, तो इसमें दोनों को जरा कंपैरिजन करते हैं कितना प्राइस क्या है, जैसे कि तो थोड़ा सा ये आया। तो मैंने यहाँ पे देखिए डेट भी मैंने सेम ही सेलेक्ट किया था, सैटरडे जो कि 15 अप्रैल, 16 संडे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वही सेलेक्ट किया हुआ है भाई, वो 15 अप्रैल टू 16 अप्रैल। ठीक है, एक दिन का सिर्फ। ठीक है, विथ वन रूम टू अडल्ट, यहाँ पे भी वही सिलेक्ट किया हुआ है, टू अडल्ट, ओके वन रूम, ओके। अब ये देखते हैं इसकी प्राइस के बारे में जरा। पहले तो ट्रिप सर्वर में चेक कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पे ओनली रूम है जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ये 11,600 पड़ा। ठीक है, इसमें भी देखो यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं है भाई, बट 10,000 और प्लस ये उसकी जो टैक्स है, इतना हो गया ये पूरा टोटल मिला करके, 12,509 रुपये हो गया ये पूरा टोटल मिला करके। ठीक है, विदाउट ब्रेकफास्ट,
यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, 12,509 रुपये ये दोनों को मिला करके, ठीक है, टैक्स और ये दोनों मिला करके। बल्कि यहाँ पे ये सिर्फ ब्रेकफास्ट है 11,601 रुपये होता है। तो आप देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पे 11,600 और यहाँ पे 11,500, 100 रुपये का डिफरेंस तो पड़ ही गया इधर पे, ठीक है। और विथ विथ ब्रेकफास्ट जो लोगे उसका अमाउंट देखो 12,370 पकड़ लो। चलो अब ये देखते हैं यहाँ पे कितना होता है, टोटल कर लेता हूँ, 1 मिनट। 10,800 प्लस 2,484, ये हो गया 13,284 रुपये, 13,284। ये देखो यहाँ पे क्या दिखा है, 12,669 रुपये। तो यहाँ पे इसमें ये सस्ता पड़ा, लेकिन यहाँ पे ये महंगा पड़ा विथ ब्रेकफास्ट। सो ऐसा कुछ है यहाँ पे, देखिए ऐसा बोल नहीं सकते कि कुछ होटल्स हैं जो टिप्स ओवर में सस्ते हैं तो कहीं और वेबसाइट पे महंगे हैं, कुछ है जो टिप्स ओवर में महंगे हैं और जगह पे सस्ते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो हमने तो एक होटल के बारे में देख लिया, ये रेडिसन ब्लू का होटल का देखा। चलो थोड़ा सा एक और होटल देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो एक लीला पैलेस देख लेते हैं न्यू दिल्ली, इसमें इसकी जो कॉस्टिंग दी है 26,182 रुपीज, ठीक है, एंड विथ ब्रेकफास्ट विदाउट ब्रेकफास्ट है। सो विथ विदाउट ब्रेकफास्ट पहले देखते हैं, इसमें दिया हुआ 26,182 रुपीज इसका। ये भी लीला द लीला पैलेस है, ये भी न्यू दिल्ली का ही है। तो चलो हम ये भी देख लेते हैं कहाँ गया, विदाउट ब्रेकफास्ट, विदाउट ब्रेकफास्ट, यस। सो विदाउट ब्रेकफास्ट वाला ये है, चलो इसको जरा कैलकुलेट करते हैं कितना पड़ गया अपने को, 22,000 प्लस 3,960, ठीक है, ये हो गया टोटल 25,960 रुपीज इसके ऊपर। और अब एडिश पे देखते हैं तो ये देखो विदाउट ब्रेकफास्ट वाला इसमें महंगा है, विद ब्रेकफास्ट देखते हैं कितना होता है, ठीक है, ये 27,374, ये देखते हैं, ये हो गया 23,000 एंड प्लस 4,140, लेट मी कैलकुलेट, 23,000 प्लस 4,140, ये हो गया 27,140, जो कि यहाँ पे क्या है, 27,374। तो ये बोल सकते हैं, तो 100, चलो इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं ये अमाउंट, 27,374, सो 234 रुपीज ट्रिप सेवर में ज्यादा है। booking.com में ये बुकिंग करते हो तो 234 रुपीज कम लगता है विद ब्रेकफास्ट। तो भाई कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि विल गिव यू 110% रिटर्न, तो डेफिनेटली यार यदि क्लेम कर रहे हैं तो डेफिनेटली को देना चाहिए। तो ये चीजें हैं, मैंने आपको दिखाया हूँ ये प्रोडक्ट मैंने लिया कि यूज करते हैं, देखते हैं इसका कि कैसा यूज है और इट इज रियली वर्थ इट। तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि ज्यादा कुछ वर्थ इट है ये प्रोडक्ट। नॉर्मल आदमी के लिए भाई कोई बड़े बड़े होटल में क्यों जाएगा, छोटे मोटे होटल में जाएगा, वहां पे भी वो साल में एक या दो बार ही कभी जा सकता है, ठीक है। तो यदि कहीं पे 500-1,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ गया तो क्या फर्क पड़ता है भाई, अभी ये 5 साल की वैलिडिटी है, जो कि आप 80,000 रुपीज मतलब पे करके 1,500 BV का प्रोडक्ट परचेस करके और उसको रखो, और बाद में साल में यदि दो बार भी यूज करो तभी भी वो आपको यूजफुल होने वाला नहीं है, मतलब वो आपको जो 80,000 आपने पे किया वो ऊपर से नहीं आएगा वो चीजें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब वैल्यू फॉर मनी है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपको कमेंट करना। आप ये उन लोगों के लिए यूजफुल अच्छा रहेगा जो कि ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर है जो
कंटिन्यू ट्रैवल करते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग होटल्स में, तो उनके लिए बेनिफिट है मेरे ख्याल से, अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं हम लोग। बट नॉर्मल पर्सन के लिए तो ये यूजफुल उतना मुझे नहीं लगता है। लेकिन यदि जो बिजनेस माइंडेड है, यदि बोलता है कि मुझे ये भी परचेज करने को कर लेता हूँ और बिजनेस करूँगा, तो मतलब प्रोडक्ट का जो वैल्यू छोड़ करके वो बिजनेस माइंडेड रहेगा, तो डेफिनेटली वो बिजनेस को चूज करेगा और बिजनेस करेगा इसीलिए। तो इस तरह से है, मुझे तो इससे बेटर ये ऑप्शन लगते हैं जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह जो होता है, जैसे कि वॉचेस है या फिर आपका एयर प्योरिफिकेशन है, वाटर फिल्टर है, वो यदि परचेस करते हैं तो एटलीस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं यार, भले ही कहीं जाए ना जाए, बट एटलीस्ट वो हमारे कलाई में रहेगा, हम यूज कर सकते हो, या फिर घर में रहेगा वाटर फिल्टर वगैरह, तो एटलीस्ट वो यूज होता रहेगा। बट इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी है बेसिकली, तो ट्रिप सेवर स्पेशली ये चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में दे सकते हो, एंड और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में दे सकते हो, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि इसको लेके आने के लिए। और ये प्रोडक्ट जो है, ये ना ही इंडिया में अवेलेबल है और ना ही मिडल ईस्ट में अवेलेबल है। तो मिडल ईस्ट में पहले था अवेलेबल उनके पोर्टल पे, बट आई डोंट नो, लोगों ने रिमूव कर दिया। इंडिया में भी पहले पता नहीं था या नहीं था, बट अभी नहीं है एक्चुअली। ये जो प्रोडक्ट्स है ये वर्ड पोर्टल पे अवेलेबल है, और वर्ड पोर्टल से लोग जा करके वहाँ से परचेस करते हैं। ठीक है, तो कैसे परचेस करते हैं ट्रिप सेवर, मैंने तो एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी जा करके देख सकते हो किस तरह से परचेस होता है ये प्रोडक्ट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के बारे में। कुछ भी रहेगा आप कमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा उसको वीडियो बनाने का। सो टिल द टाइम बाय, एंड लेट्स बिल्ड दिस बिजनेस इथिकली, दबी।